गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी सिक्स क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 32, जिसकी डेट 2 फरवरी 2021 रहेगी और इसमें हम आपके टिकट एल्बम का भाग 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से नागराजन की जब सिंगापुर से उसके मामा जी एल्बम भेजते हैं तो राजप्पा की एल्बम को कोई नहीं पूछता। और आगे आज हम पढ़ते हैं, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आँखों से देख लेता। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख, यानी कि जब राजप्पा की एल्बम की पॉपुलैरिटी कम हो गई थी तो राजप्पा मन ही मन नागराजन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगा, जिसको लेकर लड़कों ने उसका मजाक भी बनाया। अब आगे देखते हैं, राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने किसी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया है ना। सिंगापुर से जब जो उसकी एक एल्बम आई थी, एक पार्सल आई थी, उससे नागराजन एक ही दिन में फेमस हो गया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा था, स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता कौन, राजप्पा, परंतु अब घर घुसा हो गया था, लेकिन अब घर ही घर में रहने लगा था क्योंकि उसे बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता था, शर्म आने लगी थी। क्यों, क्योंकि उसकी एल्बम को कोई पूछता नहीं था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम चिढ़ होने लगी थी एल्बम से, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने तय कर लिया था, जब वह नागराजन के घर गया, अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला, आगे पढ़ते हैं बच्चों, वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे, उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पन नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया कौन, राजप्पा। चलिए बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया, क्यों मशहूर हो गया। बच्चों देखिए, इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, सिंगापुर से आए एक इस पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। यहाँ से यहाँ तक आप इसका पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, या सिंगापुर से आए एल्बम ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, ये आप बच्चों पहले का उत्तर लिखोगे। चलिए दूसरे का देख लेते हैं, नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा। बच्चों देखो, हमने पढ़ा था अभी इसमें, आमतौर पर शनिवार और, चलिए मैं बता देती हूँ इधर से, आप लोग यहाँ से लिखोगे, आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता कौन, राजप्पा, है ना। आप लोग लिखेंगे राजप्पा, आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, ये आप लोग दूसरे का आंसर लिखोगे। आमतौर पर राजप्पा शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था,
तो इस तरह से बच्चों आप दूसरे का आंसर लिख लेंगे। तीसरा देख लेते हैं, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। क्यों क्यों होने लगी थी बच्चों? देखो मैंने पैसे आपको समझाया है पूरा गद्यांश। राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसके विचार में ऐसा क्यों हुआ? उसने सोचा, आप लिखना, उसने सोचा कि उसका एल्बम कूड़ा हो गया है। क्या सोचा राजप्पा ने? ये आप तीसरे का लिखोगे, राजप्पा ने सोचा कि उसका एल्बम अब कूड़ा हो गया है ना, तभी तो कोई उसके एल्बम को पूछने वाला नहीं था। ये आप तीसरे का प्रश्न उत्तर लिखेंगे। चलिए बच्चों उत्तर प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कहानी में ऐसे शब्द छांटे जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो। ये बच्चों हमने पहले भी किया था प्रश्न। चलिए जैसे कि हमारा था, इस कहानी में एक हमारा शब्द आया था अगुआ, ये हमने पहले भी कर रखा है जमघट, और एक था हमारा टटोलना, खोसना, हीकड़ी आदि शब्द हैं। और भी शब्द हैं बच्चों, आप पढ़ना तो आप पहचान जाओगे। अगुआ, जमकर, टटोलना, खोसना, हीकड़ी, है ना, पुचकारना, पुचकारना आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग लोग बाग कम करते हैं, जो कम सुनने में आते हैं। अगुआ, जमघट, टटोलना, खोसना, हीकड़ी, पुचकारना, ये सारे शब्द आप लोग लिख लेना। चलिए प्रश्न नंबर 5 बता देती हूँ मैं आपको। इकट्ठा किए गए टिकटों का वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है? जैसे देश के आधार पर होता है टिकट, है ना, ऐसे और कौन कौन से आधार हो सकते हैं? आप अपने मित्र या अपने भाई बहन से बात करके आपको लिखना है। तो बच्चों आप इसका लिखोगे, देखो टिकट के देश के आधार पर होते हैं, फिर हमारा टिकटों का वर्गीकरण काल के आधार पर भी हम कर सकते हैं, काल के आधार पर, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर, और बच्चों काल के आधार पर, रंग के आधार पर और मूल्य के आधार पर भी हमारे टिकटों का वर्गीकरण होता है। मूल्य के आधार पर हम टिकटों को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, मूल्य के आधार पर बांट सकते हैं, काल के आधार पर टिकटों का वर्गीकरण किया जा सकता है, रंग के आधार पर भी टिकटों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका 5वें का आंसर था। अच्छा बच्चों ये आपके 5ों प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको मेरा बढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और बेल आइकन हिट जरूर करना। थैंक यू बच्चों।